गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपकी हमने जो है ये एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करनी है। और इससे पहले मैंने आपको फार्मूले दिए थे करने के लिए, कौन कितने थे, मैं 6 फार्मूले आपको दिए गए थे, तो आपने ये वो याद किए होंगे उम्मीद है। और उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चंस होंगे। जिससे मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ। इसके देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है आपका इंटीग्रल 3x² dx अपॉन x^6+1। तो मैं इसमें कैसे इस इंटीग्रल को करूँगा, जरा देखो, उसे सोचना पड़ेगा आपको। 3x² dx, क्या मैं इसे ऐसे लिखूँ x³² + 1। अब अगर मैं x³ को बच्चों t मान लेता हूँ, तो dt/dx इससे कितना आ जाएगा, 3x², ठीक है। तो dt मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ =3x²dx। ये पूरा आप यहाँ चेंज कर दीजिए, तो ये dt/t²+1 हो जाएगा। आप बता सकते हैं 1/x²+1 का इंटीग्रल क्या होता है? तो आप सोचो, tan inverse x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x²+1। तो 1/x²+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, tan inverse x। तो tan inverse t + c, t की वैल्यू रख दीजिए वापस, तो tan inverse x³+c। देखो कितना आसान है। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप इसे देखो, तो ये दिया गया इंटीग्रेट दिस वन dx/√1+4x². तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उन्हीं से मैं चलूँगा। अब देखो, इससे मैं 4 पहले कॉमन लूँगा, x² के साथ 4 कॉन्स्टेंट है, तो 4 को इसके साथ से हटाऊँगा, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx/√ 1/4 मीन्स 1/2² + x². बोलो, अब ये बन गया आपके पास ये वाला फार्मूला बच्चों, dx/√x² + a² बता सकते हैं आप क्या होगा, log x+√x² + a² + c। तो ये आपने इसमें यूज करना पड़ेगा, तो 1/2 log x+√x² + 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और प्लस सी। देखो इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो इसका, तो इंटीग्रेट dx/√2-x²+1। कैसे करूँ मैं इसे, 2-x को t मान लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करके इससे क्या आ जाएगा, dx = -dt। ये मैं पूरा चेंज इसमें कर दूंगा, तो -dt/√t²+1। 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1² अब देखो ये फिर यही फार्मूला बन जाता है, तो आप कर दीजिएगा -log t+√t²+1 और प्लस सी। टी की वैल्यू वापस जरूर लिखिए, -log 2-x+√2-x²+1+c। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जिससे आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, देखो यहां से ये आप करो, देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले इससे क्या 25 कॉमन ले लेना, फिर ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, देखें करके। चलो क्वेश्चन 4 देखिए, इंटीग्रेट dx/√9-25x². तो क्या कॉमन लूंगा मैं इससे, 25, तो बाहर निकलेगा 1/5 इंटीग्रेट dx/√, ये हो जाता बच्चों 9/25-x². तो आप देखिए 1/5 इंटीग्रल dx/√, ये हो गया 3/5 का स्क्वायर -x²
ये कौन सा फार्मूला बन गया, देखो इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बता सकते हैं फार्मूला, मैंने उनमें बताया आपको साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो आप इसे यहाँ यूज कीजिएगा, तो 1/5 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3/5 यानी 5x/3 हो गया और प्लस सी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो पहले तो आप 2 को कॉमन ले लेना, फिर एक्स स्क्वायर को t मान लेना और ये हो जाएगा। इसमें देखो तो ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखते हुए एक्स क्यूब को पहले t मान लेंगे, ठीक है, तो ये इंटीग्रल भी हो जाएगा। चलो सेवन्थ में कराता हूँ आपको, देखिए सेवन्थ हो गया बच्चों, इंटीग्रेट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, बताओ कैसे करूँगा इसे। पहला आप इसे ना अलग अलग कर दीजिए, एक्स के साथ अलग कर देता हूँ और माइनस वन के साथ अलग कर देता हूँ। अब बताओ इस वाले को कैसे करूंगा, फर्स्ट पार्ट को इसके एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मान लूं, तो ये बन गया बच्चों एक्स डी एक्स, इससे निकलेगा आपका डी टी अपॉन टू, और ये पूरा आप यहाँ चेंज कर दीजिएगा, तो ये बन गया डी टी अपॉन टू रूट टी, बोलो माइनस ये हो गया इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट, वो अलग ही चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया स्टैंडर्ड, बताओ कितना, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बन गया बच्चों, लोग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। ये वन अपॉन रूट टी का पहले बता दो इंटीग्रल, टू रूट टी जानते हैं, माइनस लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, तो टू कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू से वापस करिए, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लोग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। जैसे देखो इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट एक्स की 6 प्लस ए की 6, तो इसमें आप एक्स क्यूब को टी मान लीजिए, तो 3x स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया बच्चों, डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इससे निकल गया आपका डी टी अपॉन 3, और ये यहाँ चेंज कर दीजिएगा, तो डी टी अपॉन ये 1/3 में बाहर निकाल देता हूँ, अंडर रूट ये हो गया टी स्क्वायर प्लस, इसे ऐसे लिख दूँ ए क्यूब का स्क्वायर, तो 1/√x² + a² फिर से फार्मूला बन गया वही लोग वाला, तो 1/3 लोग एक्स प्लस मीन्स टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6 ही हो जाएगा प्लस सी, तो बन गया 1/3 लोग t की वैल्यू रख दूं एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी, ये लीजिए ये आपका इंटीग्रेट हो गया। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लो, एक इंटीग्रेट sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, अब tan x को आप t मान लीजिए, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाता है बच्चों sec स्क्वायर एक्स, तो यहां से मैं डी टी के लिए लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ तो ठीक है बच्चों, अब देखो जरा इसे चेंज करता हूँ मैं, तो ये बन गया डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, ये तो फार्मूला आपको मालूम है ही, क्या डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना लोग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ से बन जाता है मेरे पास में लोग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4
प्लस सी। पी की वैल्यू रख दूं लॉग टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर प्लस सी। ठीक है, तो ये यहाँ आप जो है आज 1 to 9 पूरे क्वेश्चन करेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड है। ठीक है, बस आपसे ना एक ही बात है मुझे चाहिए कि आप रोज का काम रोज किया करो, तो उससे ना प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हमारा इसमें नए मॉडल्स स्टार्ट होंगे, ये वाले 1/2 ये। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा आपको अभी, नेक्स्ट वीडियो में हम 10 to 15 सारे मॉडल लेंगे, देखेंगे आगे समय मिला तो। ठीक है, तो आप लोग ये काम कर लेना अपना पूरा। ठीक है, थैंक यू।